नमस्कार, एवीएन पर आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आदमपुर मंडी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली की गई और तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। रैली के बाद हम बात करने जा रहे हैं रेणुका बिश्नोई से और उनसे ये समझेंगे कि दुष्यंत चौटाला की बॉडी लैंग्वेज को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि मौका है, हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म है, उसे लेकर जिस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि एक नेगेटिविटी फैल रही है, उस पर भी उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। क्योंकि जिस तरह से विरोधी दल लगातार ये बात उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला इशारों में कुछ और कह गए हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस इशारे का असर 3 तारीख को नजर क्या आता है। मैम, आज की रैली जो हुई उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरा गठबंधन स्टेज पे खड़ा था आपके और जिस जोश और उत्साह के साथ आदमपुर हल्का या उनके स्वागत में था, तो जो मैं शुरू से दावा कर रही हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का करने जा रहा है, कितने उसका सीधा साधा सबूत कर रहे हैं? मैं मेरे हिसाब से तो 50,000 से ऊपर की जीत है। अच्छा, ये कहना बार बार आदमपुर हल्के को ये था कि आज गिफ्ट देके जाएंगे, कि वजीरी की सौगात देके जाएंगे, लेकिन बैरंग लौटा दिया मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल नहीं लौटाया, उन्होंने कहा था कि भव्य बिश्नोई को मुझे सौंपो, उसके बाद काम मेरे। अच्छा, बार बार कुलदीप जी ने ये कहा कि कुछ नाराज हैं, माफी चाहते हैं, वो कौन लोग नाराज हैं? कोई छोटे मोटे जैसे परिवार में नाराजगियाँ होती है, उस तरीके की छोटे मोटे नाराजगियाँ हमारा परिवार है और हमें ही कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ पिछले 60 साल से जुड़े हुए, तो छोटे मोटे कोई आपस की नाराजगी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। तो अब जिस तरीके से आगे क्या कुछ, जिस तरीके से 2 दिन है, उस दौरान क्या करने वाले हैं, किस तरीके से डोर टू डोर जाएंगे, या जो कुछ आप जैसे बता रहे छोटी मोटी नाराजगी उनको दूर करेंगे क्या? नहीं, नाराजगियाँ सब दूर हो चुकी है और अब अगले 2 दिन तो हमारे सिस्टम में आगे की तैयारियाँ, 3 तारीख की जो पोलिंग है उसकी तैयारियों में। कल दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था कि हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म है, उसका बड़ी उल्टी प्रतिक्रिया गई, नेगेटिव प्रतिक्रिया गई। देखिए, जो नेगेटिव माइंडेड पीपल है वो तो नेगेटिव ही सोचते हैं, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 उपचुनाव सरकार हार चुकी है और अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे कि ये भी अगर हार गए तो नहीं पड़ेगा। देखिए, इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपके ऊपर है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका भाषण की शैली थी, कला थी, बिल्कुल ही डाउन थी, बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भी वही थी, मैंने भी उनकी सारी बातें सुनी है, बिल्कुल जोश और बिल्कुल उत्साह के साथ उन्होंने ये कहा था कि ये जो आखिरी पड़ाव है, इसको हमें और मजबूती और शानदार तरीके से, हमें इसको, ये जो अक्सी दौड़ है, इसको दौड़ के हमने एक शानदार जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। तो जो नेगेटिव माइंड है, जो नेगेटिव सोच है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रिटेशन नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो। इस चुनाव को आप सीधा मुकाबला मान रहे हैं कांग्रेस से या फिर दूसरी पार्टियां भी? देखिए, हमारा मुकाबला सिर्फ हमारा है, हमसे ये है कि हमारा जो पिछले चुनाव की जो हमारी लीड रही थी उसको हमने दुगना करने की चुनौती हमारे सामने, और हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है। पूर्ण रूप से आश्वस्त, बिल्कुल, हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद।